Hello everyone, welcome back to the channel, and this time we are going to start about the Geography Class 6 NCERT complete chapter analysis. So let's begin with the first chapter itself, and it says our environment. So बहुत ही basic chapter ये होने वाला है जो हमारे environment से related है. इसमें सिर्फ कुछ terms ऐसी होंगी जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, तो हम इस वीडियो में पूरे chapter को एक short summary के साथ हम समझने वाले हैं. अगर environment की बात करें तो आप environment से क्या समझते हैं कि environment क्या है? Environment refers to everything that surrounds us. Refers to everything what is which surrounds us. यानी कि जो हमारे चारों तरफ है उसे हम environment कहते हैं. And influence an organism and or an living thing. यानी कि जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है और जो हमारी life को influence भी करता है. Right? Environment is our basic life support system. यानी कि जिस एरिया में या जिस वातावरण में हम रह रहे हैं बेसिकली उसे हम क्या कहेंगे, एनवायरनमेंट कहेंगे. एंड इट प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक यानी कि जो पानी हम पीते हैं, एंड द फूड वी ईट, एंड द लैंड वेयर वी लिव यानी कि जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, जो हवा जिससे हम सांस ले रहे हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये सारा क्या पार्ट है, ये हमारा पार्ट है किसका, एनवायरनमेंट का. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एनवायरनमेंट क्या होता है. एनवायरनमेंट इज़ समथिंग जो हमें चारों तरफ से घेर के रखता है. एनवायरनमेंट आपका हो सकता है मतलब जैसे कि एक नेचुरल एनवायरनमेंट होगा जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट है वो, और दूसरा एक होगा मैन मेड एनवायरनमेंट जिसे हम कहते हैं. इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी ही देर बाद. सो एनवायरनमेंट क्या है, एनी थिंग दैट सराउंड अस उसे हम कहेंगे एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट हो सकता है आपका नेचुरल प्लस मैन मेड. मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और इसी में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान लेंगे. ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की दी हुई एक पिक्चर है जिसमें इन्होंने कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को तीन भागों में बांटा है. पहला जो है वो है नेचुरल. नेचुरल में आपका एयर आ जाता है यानी कि एटमॉस्फेयर, वाटर आ जाता है हाइड्रोस्फीयर, लैंड आ जाता है लिथोस्फीयर, एंड जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब इसमें आ जाती हैं. हमने हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर क्लास सिक्स जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें हमने किया हुआ है. सो आई विल गिव यू द लिंक, सो आप डायरेक्टली जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, जस्ट अ शॉर्ट वीडियो. सेकेंड आते हैं यहाँ पर, पहला नेचुरल में इन्होंने दिया है एयर, वाटर, लैंड एंड द ह्यूमन लिविंग बींग्स. सेकेंड इन्होंने ह्यूमन मेड दिया है यानी कि जिसे मैंने कहा था मैन मेड. सो इन्होंने मैन मेड को भी एक कॉम्पोनेंट माना है एनवायरनमेंट का, जैसे कि आपके बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं और रिवर्स हैं, वाटरवेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सारे क्या हैं, ह्यूमन मेड है यानी कि ये मानव द्वारा रचित हैं, मानव द्वारा बनाए गए हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए या लाइफ की ईज़ के लिए बेसिकली. सो उसे हम कहेंगे ह्यूमन मेड या मैन मेड एनवायरनमेंट. इसके बाद आता है ह्यूमंस इट्सेल्फ, के ह्यूमंस की ह्यूमंस जो जाति है इसमें भी बहुत सारे एनवायरनमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक इंडिविजुअल उसका एनवायरनमेंट, फिर एक फैमिली का एनवायरनमेंट, कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज, एजुकेशनल, ठीक है. तो इस तरीके से भी बहुत सारे एनवायरनमेंट ह्यूमन अपने लिए क्रिएट करता है. सो दीज आर द बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एज एक्सप्लेन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव फ्यू टर्म्स टू लर्न, दैट इज बायोटिक, नेचुरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट. अब बायोटिक, नेचुरल, फिजिकल एनवायरनमेंट होता क्या है? ये वो एनवायरनमेंट होता है जो नेचुरली प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने बात की थी अभी एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर के बारे में. ये क्या है? ये आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है यानी कि ये आपका बायोटिक का हिस्सा है, राइट? सो अब आपको समझ आ गया होगा जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है वो सब क्या है, बायोटिक एनवायरनमेंट है. मूविंग ऑन नेक्स्ट वी हैव द अबायोटिक एनवायरनमेंट, जिसे हम मैन मेड कहते हैं और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं, बेसिकली जो मानव द्वारा रचित है और इसमें ज़्यादातर आपके नॉन लिविंग्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल जैसे कि बिल्डिंग्स, राइट, बिल्डिंग्स हो गया, पार्क्स हो गए एंड ब्रिजेस. सो ऑल दिस आर वॉट, अबायोटिक एनवायरनमेंट और मैन मेड एनवायरनमेंट. वी हैव अ वर्ड इकोलॉजी. सो इकोलॉजी क्या होती है बेसिकली, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इकोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन वॉट, बिटवीन द various
life forms, various life forms and their environment. बहुत ही बेसिक डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई है. ये कहती है कि इकोलॉजी क्या है. इकोलॉजी एक साइंस है जो हमें लाइफ फॉर्म्स क्या हैं और उनके एनवायरनमेंट के बारे में, कैसा रिश्ता है उनका, कैसे वो लोग आपस में इंटरेक्शन होता है, इसे हम इकोलॉजी कहते हैं. राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी कहते हैं. अब अगर हमें इकोलॉजी को समझना है सो हमें इकोसिस्टम को देखना पड़ेगा. अब इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम एक वो सिस्टम होता है, एक वो एरिया होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट वाले लोग, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने अपने एनवायरनमेंट में अलग अलग कंडीशंस में ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है सन एंड हीट है, राइट, तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स को वो सपोर्ट करती हैं. यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स हैं, एल्गी है, प्रोटोजोअन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, फिशेज हैं, राइट, स्नेक्स हैं, स्नेल्स हैं, फंजाई है, और इसके बाद वाटर यहाँ पर अवेलेबल है. यहाँ फ्रॉग अवेलेबल है जिसे हम एम्फीबियंस कहते हैं. कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, प्लस ये आपका यहाँ पर एयर प्रेजेंट होता है, और ये ट्रीज़ हैं. ये सब क्या हैं, ये मान लीजिए कि यहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग भी है. ये क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और नेचर ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट करता है. बेसिकली जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है, वो जो बायोटिक एनवायरनमेंट्स होते हैं, उनको सपोर्ट करता है. एंड दिस इज़ व्हाट इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड. सो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एक स्टडी है जिसमें हम डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं. सो इकोलॉजी, आपको इकोसिस्टम से अच्छे से समझ आ गया होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर वन. एंड इस चैप्टर नंबर वन में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए गए हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होना है, जिसे हम कहते हैं कि जितने भी पेड़ वगैरह होते हैं, जितनी हरियाली होती है, उन्हें काट दिया जाता है, जिनकी वजह से जो सॉइल है वो क्या हो जाती है, इरोज हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है. सो इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं इसमें. बाकी पूरे चैप्टर के अंदर कुछ सिर्फ इतना ही है. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स.